अनपढ़ माँ एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने दसवीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीबी से कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी खुशी बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। उसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं, क्या वह पढ़ लिख सकती है, वो तो अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण भरी आँखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये सब पिता ने देखा और कहा, हाँ बेटा तूने बिल्कुल सही कहा, जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद ही कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं, चलो इस बार अबॉर्शन करवा लेते हैं, आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं घूमना फिरना और आपस में समझना, यह सब कुछ बाद में, फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिलाया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कापी और किताब बस्ते में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती थी और उसके बाद ही सोती थी, और रात में बार बार जागकर तुम्हें ओढ़नी से ढकती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार ही रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर भी सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। ये सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट कर बोलता है, माँ मुझे तो कागज़ पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हो। माँ मैं आज भी अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, बेटा जो आपकी नज़र में पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सब पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना ही भूल जाती है, इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ तुम्हारी माँ अनपढ़ है। तो प्यारे दोस्तों, एक माँ की दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।